छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि टीएस सिंहदेव को पता है कि अगली बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, इसलिए उन्होंने सरकार बनने की बात पर संदेह जताया। ये उनके दिल की बात थी जो जुबान तक आ गई। ऐसी बात उनकी जुबान पर एक बार नहीं 2500 बार आ चुकी है। बाद में जब उनकी पार्टी का दबाव पड़ता है तो कह देते हैं मैं कांग्रेसी हूँ, मैं तो चाहूंगा कांग्रेस की सरकार बने। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के अंबिकापुर में दिए गए बयान पर विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी है। क्यों पढ़ रही है? अगर वो असली राजा हैं, तो उनके साथ में जो कुछ हो रहा है, राजा कभी अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं करता है। ये समझ से बाहर है कि वो अपने अपमान को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, उनकी मजबूरी क्या है। वो जन घोषणा पत्र की समिति के अध्यक्ष रहे हैं और वो स्वयं जब उनसे लोग मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि मैं अध्यक्ष जरूर रहा हूं, अब मेरे हाथ में नहीं है मांगों को पूरा करना। तो राजा की जबान, उनका लोगों को किया हुआ वादा, वो पूरा नहीं हो रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि वो असमंजस में है। मजबूरी उनकी है कि कांग्रेस में है तो उनको कहना पड़ता है कि सरकार बनेगी, जो सही बात है वो उनकी जवान पर आ जाती है और एक बार नहीं 25 बार ऐसा हुआ है। और बाद में जब पार्टी का दबाव पड़ता है तो फिर वो बोल देते हैं नहीं मैं कांग्रेसी हूं। और निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में वादा खिलाफी कर रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी की बात हो, चाहे वो शहरों में संपत्ति का राधा करने की बात हो, चाहे शहर में रहने वाले गरीबों को 2 कमरे के मकान देने की बात हो, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री आवास लोगों का छीन लिया है इसकी बात हो, चाहे जल जीवन मिशन के योजना में भ्रष्टाचार और लोगों के घरों में नल का पानी नहीं पहुंच रहा है इसकी बात हो, चाहे फिर वो विधवा परित्यक्ता निराश्रित इनको 1000 और 1500 रुपये पेंशन देने के वादे की बात हो, चाहे फिर वो बेरोजगारों को 2500 रुपये भत्ता देने की बात हो, तो ऐसा कोई भी वादा नहीं है जिनको उन्होंने पूरा किया हो। क्योंकि मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को तो अपनी कुर्सी बचा के रखना है, इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और टीएस सिंहदेव जी के साथ में जो बर्ताव, जो व्यवहार हो रहा है, वो व्यवहार बताता है कि टीएस सिंहदेव जी का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है कि दोबारा सरकार बने।